अगली खबर है एक पति के वियोग को लेकर। पति ने पत्नी और बच्चे के वियोग में फांसी लगाकर जान दे दी। 6 दिन पहले पत्नी 2 बच्चों के साथ अलग रहने चली गई थी। पत्नी के इस कदम से पति परेशान हो गया था। इसके बाद पति ने यह कदम उठा लिया। पुलिस ने सबको एम्बॉय भेजा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पलासिया पुलिस के मुताबिक विनोबा नगर में रहने वाले संजय धीमान ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे पिता ओम प्रकाश पानी पीने के लिए उठे तो बेटे संजय का सब फंदे पर लटका देखा, जिसके बाद उन्होंने अन्य सदस्यों को उठाया। संजय को उपचार के लिए एम्बॉय अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। रिश्तेदार लोकेश ने बताया कि करीब 1 साल से पत्नी मंजू और संजय के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। 3 माह पहले संजय खंडवा ससुराल जाकर पत्नी को मना कर घर लेकर आया था। इसके बाद भी दोनों में कहा सुनी होती रही। संजय ने इस कारण से नौकरी पर जाना भी छोड़ दिया था। 6 दिन पहले किसी बात को लेकर पत्नी मंजू से उसका फिर विवाद हुआ। वह अपनी बेटी और बेटे को साथ लेकर चली गई। तब से ही वह तनाव में चल रहा था। संजय के परिवार में उसके 3 छोटे भाई और 2 बहन भी हैं। पुलिस के मुताबिक वह पेशे से ड्राइवर है। आजाद नगर के श्यामा चरण शुक्ल नगर में रहने वाले कैटरिंग कर्मचारी ने भी जहर पीकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक मृतक रितेश पुत्र छीतर बामने रिश्तेदार विजय ने बताया कि रितेश कैटरिंग में काम करता था। उसके परिवार में 3 बड़े भाई और पिता हैं। उनके मुताबिक मंगलवार को कॉलोनी के गेट पर रितेश बेसुध मिला था, जिसके बाद रात में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार रात 2 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। दरअसल ये दोनों घटनाएं इंदौर शहर की बताई जा रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।